नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और दोस्तों, हम देखेंगे 26 दिसंबर 2022 के लिए HDFC बैंक और बैंक निफ्टी पे कहां पे हमें बाइंग सेलिंग करके चलनी चाहिए। तो दोस्तों, मंडे का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, स्पेशली HDFC बैंक के लिए। अगर HDFC बैंक एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो फिर समझिए कि बहुत ही बड़ी गिरावट आप लोगों को देखने को बैंक निफ्टी पे भी मिलने वाली है। तो इसीलिए मैं आज दोनों का कॉम्बिनेशन लाया हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, HDFC बैंक पे जो सपोर्ट टेबल है 1590 का एक सपोर्ट लेवल क्रिएट है। अगर 1590 के सपोर्ट को HDFC बैंक जो है ब्रेक करता है और नीचे की 5 मिनट्स की कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तब आप समझ जाइए कि एक बड़ी गिरावट का यहाँ पे संकेत दे रहा है। और 1585 के नीचे गया तो फिर तो मत पूछिए कि आप HDFC बैंक में जो डाउन मूवमेंट आएगी, बहुत ही बड़ी डाउन मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही हो जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि अगर ये 1590 और 85 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से सीधे सीधे मान के चलिए काफ़ी बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी और HDFC बैंक दोनों में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें मैंने एक नीचे का लेवल आप देख रहे हैं 1533 के नियर HDFC बैंक के जाने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे अगर ये 1585 के लेवल को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आप लोगों को देखने को आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस में मिलने वाली है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि HDFC बैंक देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये 1600 का जो रजिस्टेंस जोन है उसे क्रॉस करने में अभी तक सफल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं यही चाहूँगा कि इस लेवल में आके अगर ये थोड़ी देर वेट करे और 1590 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप HDFC बैंक की 1500 और 1600 की जो है पुट को आप बाई कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो है आप लोगों को एक बड़ी गिरावट के साथ काफ़ी बड़ा मुनाफा होने के चांसेस आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो HDFC बैंक का पॉजिटिव रहना काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कब तक पॉजिटिव रहता है? अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है 1585, तो आने वाले दिनों में HDFC के बैंक के टारगेट जो हैं 1533 तक आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी तक हमें ये लेवल देखने को बहुत ही जल्द आप लोगों को HDFC पे मिल जाए। इसलिए जैसा भी, अगर 1585 के लेवल को ब्रेक करेगा या 90 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो आप 1600 की PE को इसमें HDFC बैंक में बाई करके चलेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा खासा मुनाफा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, HDFC बैंक का रुका रहना बहुत ही यहाँ पे अच्छी बात है, लेकिन अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ी गिरावट आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो HDFC को अगर देखिए ऊपर जाना है, HDFC बैंक को अगर ऊपर जाना है तो उसके लिए इसे जो है 1610 के ऊपर की क्लोजिंग डे बेसिस पे देनी पड़ेगी। अगर डे बेसिस पे 1510 के लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो थोड़ा सा हम सेफ जोन में आ जाएंगे। तो 1610 के ऊपर की क्लोजिंग इसे ऊपर के लेवल की ओर ले जा सकती है। तो अगर मार्केट में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है 1610 का, तो 1610 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए हमें डे बेसिस पे। अगर यहाँ पे डे बेसिस पे कल के मंडे के सेशन में 1610 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो हम थोड़ा सा सेफ जोन में आके रुके हुए हैं, और जैसे भी ये लेवल को काटता है तो फिर यहाँ से एक बड़ी डाउन मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा बहुत ही फेवरेट बैंक निफ्टी के लेवल मंडे के लिए। तो दोस्तों, मंडे के सेशन में आपको बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करते हुए चलना है, तो आप ये चीज़ों को समझ जाइए कि आपको बैंक निफ्टी को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर HDFC बैंक 1590 के लेवल को काटता है तो आप जो है बैंक निफ्टी पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और बैंक निफ्टी पे 41,590 के बिलो जैसे भी डे लो ये कट करेगा बैंक निफ्टी, तो यहाँ से फिर से एक गिरावट आप लोगों को तेजी के साथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यहां से अगर बैंक निफ्टी 41,590 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहां से हम 41,700 या 41,600 की पी को बाई करके चलेंगे और हमारा इमीडिएट टारगेट 41,328 के नियर का हो सकता है, जो मैंने ये डाउन लेवल बनाया है। लेकिन इसके लिए अगर
इसमें आपके लेवल यहाँ पे ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देता है करीब 41,750 टू करीब 41,600 यानी 150 पॉइंट की रेंज है। अगर 150 पॉइंट की रेंज में ही अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और इस लेवल को काटता है जो कि 41,590 का, तो यहाँ से डेफिनेटली आप लोगों को 41,328 के लेवल ये मंडे के सेशन में ही दिखा सकता है। और अगर इसके साथ साथ अगर HDFC बैंक भी यहाँ से इस लेवल को काटता है 1590 के, तो फिर डेफिनेटली आप HDFC बैंक की पुट को भी बाई करके चल सकते हैं 1600 की, और यहाँ से जो है आप 41,600 की PE को भी यहाँ से बाई करके बैंक निफ्टी पे चल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। और बैंक निफ्टी में देखिए डाउन मूवमेंट आनी है, तो ये मुझे 41,320 का लेवल यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। तो 41,328 तक बैंक निफ्टी के जाने के चांसेस हैं, लेकिन इसके साथ कॉम्बिनेशन HDFC बैंक अगर देता है तो। और देखिए बैंक निफ्टी का अगर ऊपर जाना है तो ये हमारे ऊपर के लेवल है 41,850 के ऊपर ही हम यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगी, जो कि 42,000 के नियर बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। अगर HDFC बैंक भी थोड़ा सा पॉजिटिव है 1610 के 8 के नियर या 1605 के अबोव जाके कोशिश करता है जाने की, तो यहाँ से डेफिनेटली 42,000 के लेवल बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है। और अगर 42,000 के ऊपर गया तो फिर यहाँ से एक लेवल और ऊपर का खुलेगा 42,242 का, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है ये मंडे के सेशन में ऊपर का लेवल। ज़्यादा से ज़्यादा 42,000 के लेवल बैंक निफ्टी एक बार टेस्ट करने जा सकता है। तो इस लेवल से हम अगर कुछ भी बेरिश सिग्नल मिलेंगे हमें, तो यहाँ से हम 42,100 की PE को बाई करके चलना पसंद करेंगे, और हमारा इमीडिएटली टारगेट होगा 41,851 के नियर का। क्योंकि देखिए अगर गिरावट आ रही है तो मॉर्निंग में ही आपको HDFC बैंक जो है थोड़े से संकेत देना चालू कर देगा। तो आप देखिएगा मंडे का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक के लिहाज से भी और बैंक निफ्टी के भी लिहाज से। और अगर थोड़ी सी अप रैली आती है तो हम यहाँ से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यहाँ से अपनाएंगे और 42,012 के नियर यहाँ पे 42,100 की PE को बाई करके चलेंगे। और अगर यहाँ से कुछ भी होता है उसी कैंडल के ऊपर हम यहाँ से SL को मेंटेन करके भी चलना पसंद करेंगे। अगर बैंक निफ्टी में आपको कुछ भी यहाँ पे बेरिश साइन दिखते हैं तो यहाँ से आप इसी कैंडल के नीचे जो है 42,100 की PE को बाई करेंगे, और यहाँ से हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा, ये पहला टारगेट हमारा 41,851 का होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा अपरैली प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो फिर अगर इस लेवल को काटता है तो 41,600 तक आने के चांसेस हमारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी पार्सल प्रॉफिट बुकिंग 80% का कर लेंगे, और इसके बाद अगर फिर से प्राइस एक्शन बनाता है तो हम फ्रेश पोजीशन फिर से बनाएंगे यहाँ पे और 41,700 या 600 की PE को हम इमीडिएटली बाई करेंगे। हमारा जो लंबा टारगेट होगा इसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा जब ये डे लो प्रीवियस डे का जो ब्रेक होगा। तो ये सब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप देखिएगा मैंने आपको सभी यहाँ पे सिचुएशन बताने की कोशिश की है, और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी पे इसने ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया है। तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलती है तो मार्केट थोड़ा सा अप मूवमेंट आपको दिखा सकता है, और ये मूवमेंट आपको 42,000 और 012 तक ले जा सकती है। और 42,012 से अगर कुछ भी बेरिश साइन आपको दिखते हैं और बेरिश एंगल्फिंग दिखती है या कुछ भी ऐसे नेगेटिव कैंडल दिखती है फॉर्मेशन की, तो हम यहाँ से जो है 42,100 की PE को इमीडिएटली बाई करेंगे, और हमारे दो टारगेट यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिएगा। तो दोस्तों चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जो भी मेरे चैनल नए बंदे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर से टैप कर देंगे, क्योंकि हम इसमें स्टॉक्स की भी बीच बीच में अच्छी एनालिसिस लेके आते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो अपने चार्ट पे भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और जो लेवल मैंने बताया है अपने चार्ट पे भी ड्रॉ कर लीजिए, तो ये कल के ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।